दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है, फिर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से अब जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाएगी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना, आज काफी जगह से खबरें हैं और खबरें एक से बढ़कर एक हैं। तो सबसे पहले आपको मानदेय विषय में जो है कुछ थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, एक मैसेज आया है, इसके जरिए पता चलता है कि आंगनबाड़ी बहनों का पैसा कब कब आया है और ये कैसे चेक किया जाता है पीएमएस के जरिए, एक शॉर्ट टाइप में मैं आपको वो भी बता दूंगा। अब सबसे पहले आप ये देख लीजिए, एक बहन है, 29/10/2020 को इनका पैसा इनके खाते में एक महीने का सक्सेस हुआ। इनका 22/10/2020 को यानी पिछले महीने में ये भी जो इनका सक्सेस हुआ, ठीक है, पूरा एक महीने का 5650। 21 तारीख को भी इनका जो 5600 रुपया सक्सेस हुआ। फिर उसके बाद में ये देखो, अभी तीन एक ये भी सक्सेस हुआ है 12/11, यानी 12 नवंबर को इसी महीने भी देखो 5650 रुपया सक्सेस हुआ है पूरा पूरा। बाकी इनका एक ये देखो अंडर प्रोसेसिंग में लगा हुआ है 5650 रुपया और एक ये देखो 5650 रुपया लगा हुआ है। ऐसे इनका ये इतना तो सो ही कर रहा है। और ये बहन कहां से है वो भी देख लीजिए, सोनी कुमारी बहन है और ये बहन थी बिहार से। फिलहाल ये नई सेविका है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, कुछ नई सेविका बहनें कह रही हैं कि उनका पैसा नहीं आ रहा है। तो फिलहाल के लिए पैसा खातों में लगा था, बहुत पहले बताया था, धीरे धीरे वो सक्सेस हो रहा है। पिछले महीने भी जैसा कि 29 तारीख को, 22 तारीख को, 21 तारीख को और ऐसे सक्सेस हुआ है। बाकी नवंबर महीने में भी 12 तारीख को सक्सेस हुआ और अभी भी इनका 2 महीने का शो कर रहा, हो सकता है और ऊपर नीचे पेज खोलने पर और शो कर जाए। तो फिलहाल बिहार से नई सेविका हैं ये, इनका मैसेज मेरे पास आया है। इनके आधार पर आप नई सेविका बहने, आपको थोड़ी जो है सांत्वना मिलेगी, खुशी मिलेगी कि पैसा खातों में लगा है। चेक कैसे करना है उसके लिए हम आपको बता दें जल्दी जल्दी में, ताकि दिक्कत ना हो। देखो, उत्तर प्रदेश में भी यही तरीका है और बिहार में चेक करने का भी यही तरीका है। इसमें क्या होता है, पी और उसके बाद एफ, फिर एम, फिर एस, फिर डॉट जो है उसके बाद नीचे लिख दे रहा हूं एनआईसी आपको, लेकिन डैश वैश नहीं लगाना है, सीधे लिखते चले जाना है, एनआईसी, फिर डॉट, फिर उसके बाद में आई, फिर एन इन, ऐसे करके आपको सर्च कर लेना। ये वेबसाइट है pfms.nic.in, इसको आप गूगल पर जाकर के क्रोम ब्राउजर से सर्च कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जब इसको सर्च करोगे तो एक पेज खुल करके आ जाएगा आपके सामने, जिसमें जो है लाइन स्वरूप लिखा होगा, ऐसे ऐसे सब देखो हर चीजें लिखी होंगी। थोड़ा नीचे करोगे तो बीच साइड में आपको लिखा होगा नो योर पेमेंट, ठीक है। तो नो योर पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, फिर आपका पेमेंट चेक करने वाला खुल जाएगा। नो योर पेमेंट का मतलब ये होता कि अपना पेमेंट जो है यानी कि जानिए, तो अपना पेमेंट वगैरह चेक करना है आपको, तो उसमें पहुंच जाओगी। ऊपर बैंक का नाम आपको भरना होता है, बैंक का नाम अपना लिखिए, सही सही अंग्रेजी में ही लिखना है, सही सही अपना शो करने लगेगा, उसको सेलेक्ट करना जो आपकी बैंक हो। उसके बाद अकाउंट नंबर आपका पड़ता है, एक बार अकाउंट नंबर, दूसरी बार जो री इंटर अकाउंट नंबर कहता है, मतलब दोबारा वहां पर आपका अकाउंट नंबर पड़ेगा। तो दो जगह लगातार आपका अकाउंट नंबर भरा जाता है। फिर बात आती है नीचे, फिर नीचे होता है कैप्चा का एक ऑप्शन, उसमें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कुछ भी ऐसे पांच छह शब्दों का कुछ लिखा होता है, उसको कैप्चा बोलते हैं, कैप्चा कोड। और साथ में इधर रिफ्रेश का ऑप्शन भी कैप्चा के लिए बना होता है। तो रिफ्रेश इसको जब ऊपर का भर लेना, जल्दी कोशिश करना, उसके बाद इसको जो रिफ्रेश कर लेना कैप्चा को, तो कैप्चा जब आप रिफ्रेश कर लेंगे तो नया कैप्चा आ जाएगा। जब नया आ जाए तो उसको भर दीजिए, उसके बाद सर्च कर दीजिए, बस आपका खुल जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के लिए यहां से है। और कहीं भी अगर पीएफएमएस से जरिए भुगतान होता है तो शायद आपके वहां पर भी यही आइडिया काम आएगा, क्योंकि पीएफएमएस के जरिए कैसे चेक किया जाता है ये पीएफएमएस साइट से हो जाता है। आगे देखिए, सुधांशु भाई नमस्ते, हम सीवान जिला बिहार से सेविका पूनम है और जो है अपना 17/11 तारीख को उन्होंने जो है ये सब चेक किया है, 17 नवंबर को खाता इन्होंने चेक किया है, पर मानदेय इनका कहना है नहीं आया है छठ में। ठीक है बहन, हो सकता है आपका नहीं आया हो और ये जो है इनका कहना, और फिलहाल के लिए हम आगे बता दें कुछ बहनों का आया है, जैसे यहां पर नई सेविका जो है उनका आया था। आगे एक और एमएस, सुधांशु भैया नमस्कार, बिहार में भी पीएफएमएस के जरिए मानदेय चेक किया जाता है, इनका देखो भाई का कहना है
कि बिहार में भी पीएफएमएस के जरिए ही मानदेय चेक किया जाता है। अनुज कुमार भाई है, उन्होंने मैसेज ये किया था। आगे चलते हैं, आपको बता दें एक और मैसेज आई है, भैया जी मैं बिहार के बख्तियार से, मेरे अकाउंट में 471 रुपए आए हैं, ये किस बात के हैं पता नहीं, वो आज दिनांक 17 तारीख को आए, यानी अभी 17 तारीख को इनके खाते में पैसा आया है, वो पैसा कैसा है इनको पता नहीं है। तो आप भी अपना पीएफएमएस के जरिए चेक करिए और उसको स्लाइड करिए, इस साइड में आपको पूरा नहीं दिखेगा, साइड में और भी चीजें होती है, उसको खिसका लीजिए, अपना थोड़ा सा स्लाइड कर लीजिए, फिर आपको दिख जाएगा कहां से पैसा आया है। आईसीडीएस विभाग का है तो ये सब पता चल जाएगा, मानदेय है या क्या है, उसको अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं आपको बढ़िया जानकारी की तरफ, एक और ये जानकारी आई है, ये है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के भाई बहन भी देखिए, हरिशंकर भाई ने मुझे जानकारी भेजी है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर किसी कार्यकर्ता द्वारा संपर्क ऐप में सी सैम वगैरह की जानकारी ऐड की जा रही है और फिर भी डेटा एमआईएस पर शो नहीं हो रहा है तो आप कार्यकर्ता को बताएं कि एक डेटा सिंक करें, दो जो है यहां पर एमआईएस वाला संपर्क ऐप डाउनलोड करें, पहली बात तो अपना जो डेटा है उसको सिंक कर दिया करो सर्वर को, ताकि तभी जाएगा, और तब भी ना हो तो एमआईएस वाला पहली बात आपके पास संपर्क ऐप होना चाहिए। मध्य प्रदेश में मैंने लगभग 1.5-2 महीना पहले आपको बता रखा है कि आपका प्ले स्टोर वाला एमआईएस अब नहीं काम करेगा, ऐसी सूचनाएं आई थी, आदेश भी आया था, आदेश भी दिखा चुके हैं, मैंने कहा था पोर्टल से आप जाकर के एमआईएस पोर्टल से आपको संपर्क ऐप डाउनलोड करना है, इसके बारे में भी बता दिया गया था बहुत पहले ही, ठीक है, तो उसे करना है, इसके बारे में बताया जा रहा है प्ले स्टोर वाले से डाउनलोड ना करें, ऐप उपयोग करेंगे तो एमआईएस वगैरह पर डेटा शो नहीं होगा अगर आप प्ले स्टोर वाला करेंगे, तो ऐसा लोगों का कहना है, ऐसे मैसेज आ रहे हैं, ये उन्होंने कुछ अपने वहां से रिकॉर्ड टाइप का भेजा है, जो भी लोग इनके लाभार्थी हैं उनका सबका डेटा वेटा इसमें लिखा हुआ है। फिलहाल इनके मुद्दे पर यही कहना चाहेंगे कि इसमें भाई क्या माजरा, आपने बहुत कुछ भेज दिया, सब फॉरवर्ड फॉरवर्ड है, तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या आपका जो है आप कहना चाहते हैं। फिलहाल जो संपर्क ऐप है एमआईएस पोर्टल का वही डाउनलोड करना है, ये हमने पूर्व में भी बताया है और उसी से सारी चीजें करनी है। प्ले स्टोर वाला जहां जहां आप देख रहे हो जो भी सिस्टम चल रहा है विभागों का वो सब गड़बड़ चल रहा है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश ले लो, बिहार ले लो, आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन बिल्कुल एकदम गोबर चल रहा है, यहां पर भी कुछ काम उससे नहीं हो रहा है। आगे देख लीजिए, एक और मैसेज आया सिद्धार्थ नगर से, अमित बख्शी भाई है, उन्होंने भेजा हुआ है कि क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर समूह के लोग इसी तरह आंगनबाड़ी बहनों को कच्चा राशन दे रहे हैं, वितरित करने के लिए पैकिंग का अता पता ही नहीं है, मतलब ये लाए उठा करके और यहां पर रख दिया, ऐसे बोरे कट्टों में भर करके लाते हैं और ऐसे सब फैल जाता है, पता ही नहीं चलता किसमें कितने किलो क्या है, तो ये है दिक्कतें, ये पैकेजिंग सही नहीं है और पैकेजिंग ये गलत आ रही है। पैकेजिंग का मतलब था आंगनबाड़ी केंद्रों पर पैकेजिंग, पहले अपना सामान उठा करके लाएं फिर केंद्रों पर पैकेजिंग करें समूह के लोग, ये सब आदेशों में था और मैंने पूर्व में भी सारे आदेश सब कुछ आपको पूरा पूरा पढ़ के बताया है। बाकी जहां पर जैसे काम हो रहा है ये इसे कहते हैं लापरवाहियां, भ्रष्टाचारियां और अपनी अपनी जो है चीजों को अपने हिसाब से करना, ठीक है, इनको देख लीजिए आप सब भाई बहन, और ये समस्याएं किसी एक के करने से दूर नहीं होंगी, इसके लिए आप सबको जमीन पर या तो लड़ना होगा या फिर इसका आपको आदत डालना होगा, ये हमेशा से रहा है। आगे देख लीजिए, एक और ये मैसेज है, संध्या बहन है, इनका भी मैसेज है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ डोर टू डोर राशन वितरण करवाती हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संध्या सिंह, केंद्र वगैरह भिटौरा 7 ब्लॉक और मनकापुर जनपद गोंडा यूपी से। तो ये देखो मानक के अनुसार जो भी था यानी जिसकी जिम्मेदारी थी वो सब चल रहा है, यहां पर समूह की महिला भी है और आंगनबाड़ी बहन भी है, घर घर जाकर के इन्होंने पोषाहार बंटवाया है। एक बहन का यह भी मैसेज था कि भाई क्या हम जो है घर से रह करके यानी केंद्र से पोषाहार बांट सकते हैं, तो देखो बट सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंटेनमेंट जोन नहीं है और उल्टा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, चाहे आप घर भी जाएं वहां पर भी बांटती हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो वो भी आपका किसी काम का नहीं रहा, इसीलिए केंद्र पर भी बट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और पिछले कुछ महीनों से भी काफी जगह केंद्रों पर बटा भी है, फोटो वोटो हमने सब दिखाई है, अब मर्जी आपके वहां के अधिकारियों पर है कि वो बटवाते हैं या नहीं बटवाते हैं, फिलहाल काफी जगह यही है कि केंद्रों से ही बांट दिया जाएगा। उसके लिए क्या करना है, दो अपना एक काउंटर बना लेना है, वहां पर दो गोले बना लेने हैं, ठीक है, काउंटर के पास में अपना दोनों लोग आए दूर दूर खड़े हों काफी और उन लोगों को दे दो फोटो ले लो, उसके बाद में जो बाकी लोग हैं वो भी अपना दूर दूर आप सर्किल बना लीजिए, लाइन बना लीजिए, उसमें लोग अपना खड़े हों और पोसार आकर के ले जाएं, ऐसे भी चीजें चलती है। ये जनपद अमेठी से आंगनबाड़ी बहन थी सरोज व भानुमती सरोज, उनके द्वारा भी ये अपना किया गया है तो उन्होंने भी भेजा है। साथ ही एक ये बहन है, इनकी समस्या आप बताइए, इनके द्वारा क्रिएट की गई है या विभाग द्वारा, इसमें लिखा है मैंने खुद सब्जी का
का पौधा पोषण वाटिका तैयार करने के लिए खरीद कर बाजार से मैं लाई। पोषण वाटिका तैयार करने के लिए पैसा सरकार क्यों नहीं देना जो है लिखा, पैसा सरकार को नहीं देना चाहिए क्या? तो ये पूछ रही है। तो बहन आप अपने ऐसे ही तो चीजें खराब होती हैं, मतलब क्या कहीं पर भी लेटर में यह निकला था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने पैसे खर्च करके पोषण वाटिका के लिए पेड़ पौधे खरीद खरीद करके लाएं? बताइए क्या एक भी लेटर है? आपके पास है तो आप हमें भेज देना। फिलहाल हमारे पास एक लेटर भी ऐसा नहीं आया। मैंने जितने भी लेटर पढ़े उनके उनमें कहीं ना कहीं दूसरे विभाग वाले जो लोग थे उनके ऊपर इन चीजों की जिम्मेदारियां थी। अगर वो नहीं ला सके हैं तो आपको नहीं करना था। क्यों? क्योंकि जब कोई चेक करने आता तो बता देती कि हमें जब मिला ही नहीं है हम कहां से लाएं, हम अपने पैसे से क्या क्या करें, हम गोद भराई अन्नप्राशन जैसी गतिविधियां भी करें, हम ही जो है मोबाइल में रिचार्ज कराएं, हम ही सब कुछ करते जाएं और हमारा मानदेय भी ना आए समय पर। तो आप लोग खुद ही गलतियां करती बहनों चली जाती हो। अब ये देख लीजिए, ये अपना गई होंगी नर्सरी, वहां से अपने पौधे वगैरह लेकर के आई है पोषण वाटिका के लिए, ये आप देख लीजिए। और ये बहन पूछ रही है कि क्या जो है हमें वहां का सरकार को पैसा नहीं देना चाहिए इसके लिए? तो बहन जब सरकार ने कहा ही नहीं है, सरकार ने किसी और पर पौधा देने की बीज देने की जिम्मेदारी सौंपी थी, खाद्य विभाग वालों पर साथ थी, तो उन लोगों पर था, तो आप क्यों जो है इन चीजों में अपना पैसा आपने लगाया है? ये गलती आपकी मानी जाएगी। और क्यों? क्योंकि जब जो जिम्मेदारी लिखित आदेशों में नहीं है आप उसके पैसे की मांग कर रही हैं, जो लिखित आदेशों में है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा, उसके बारे में सरकार विभाग दे नहीं रहा, वो आप लोग ले नहीं पा रहे हो अपने हक के लिए अपना पैसा, और आप जो आपके लिए है ही नहीं ऊपर से उसमें आपने पैसा लगा दिया और आप उसको मांग रही है, तो आप क्या सोचती है क्या विभाग आपको दे देगा? कहीं नहीं देगा, कहेगा प्रावधान ही नहीं है ऐसा आपसे थोड़ी जो है यहां पर वो कहेंगे। मौखिक रूप से कहना और आदेशों में कहना अलग अलग होता है। तो अगर आदेश जिस चीज का ऊपर से नहीं होता है, मौखिक आपसे काम लिए जाते, या तो आप उसका विरोध करो या फिर अपना शोषण करवाओ, ये आप पर डिपेंड करता है। हमारा काम है आपको राह दिखाना और सही सही बताना कि ऊपर से क्या क्या आदेश आते हैं और किसके लिए आते हैं, ठीक है। आगे ये देखो कुसुमा देवी बहन है, इनके द्वारा भी अपना टीकाकरण वगैरह कराया गया, वहीं से एक फोटो उन्होंने भेजी है, पीछे खड़ी है बहन। साथ ही आपको बता दें एक ये देखिए मैसेज आया, हैदरगढ़ वगैरह से है, यहां से कच्चा राशन बांटा गया, ये आप देख लीजिए, यहां पर गेहूं दाल चावल सब कुछ है, यहां पर जो जो यानी कि आना चाहिए था कच्चे राशन में तो वो सब यहां पर बांटा गया है, ऐसे लाभार्थियों को दिया गया। और किशोरी विशोरी इनके लिए जो भी था वो मिला, इनके लिए देखो तीन तीन पन्नी है कुछ लोगों के पास में, ठीक है। आगे बता दें कि ये मैसेज आया है, वेस्ट बंगाल में जो है यहां पर लास्ट 3 मंथ यानी पिछले 3 महीने जो है छोला ऑर्डर हो रहा है, क्या बात है, ठीक है, लेकिन मिलता नहीं है। मतलब सरकारी आदेशों में छोले का ऑर्डर है, आदेश वगैरह भी है, लेकिन पिछले 3 महीने से ये मिल नहीं रहा है। अब आपको हम इस लेटर के बारे में बताते हैं, वेस्ट बंगाल से किसी भाई बहन ने मुझे भेजा, जिन्होंने भी भेजा बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आप आगे भी इसी तरह से जो है जानकारियां भेजते रहें ताकि आपके स्टेट के भी खबरें हर राज्यों की तरह आती रहें, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार से ज्यादा आती हैं ऐसे ही सभी राज्यों के भाई बहन सहयोग करिए। ये देखिए मैसेज है 5/11/2020 यानी 5 नवंबर को निकला है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। तो फिलहाल इसमें जो भी आपका आंगनबाड़ी सेंटर है उनमें THR वगैरह वितरण के दौरान चीजें हैं और इनको आप लोग समझ लीजिए। इसमें क्या क्या है, इसमें आपका था न्यूट्रिशन वगैरह प्रोग्राम में सप्लीमेंट्री वाले, इसमें था जो है 2 किलो चावल था, 1 किलो छोला था और 3 किलो जो है यहां 300 यानी 300 ग्राम है ये आपका मसूर दाल था। तो यहां पर चावल था, छोला था और मसूर दाल थी, ठीक है, लेकिन ये मिल नहीं रहा है, ये बताया जा रहा है बहनों के जरिए, ये सिर्फ कागजों में चल रहा है। तो ये होती है भ्रष्टाचारियां जिसके चलते हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर ये सब बहनों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में इनको जो है बांटने के लिए भी बोला जा रहा है, लेकिन ये बांटे क्या जब इनको नीचे वो मिल ही नहीं रहा। उदाहरण स्वरूप आप उत्तर प्रदेश भी उठा के देख लो, यहां पर दूध और घी के लिए भी प्रावधान था, वो मिलना पहले देखो तिमाही में मिलना था, का मतलब ये नहीं है कि 3 महीने बाद वो मिलेगा, 3 महीना आप पहले उसको दे दीजिए तब वो 3 महीना अपना खाएगा पिएगा, ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन लापरवाही के चलते घी दूध का कोई बंदोबस्त इंतजाम अभी हो ही नहीं पाया विभाग की तरफ से, उतना तैयारी ही नहीं उनकी है, वो बाद में बता रहे आएगा। मैं समझता हूं वो लापरवाहियां हैं, काम नहीं हो पाया, विभाग के पास है नहीं, ये सब कुछ है मैटर, इंतजाम नहीं हुआ है, वरना 3 महीने के लिए था, मतलब तिमाही में बांटा जाएगा, का मतलब ये है कि देव पहले ही देंगे वो अपना, 3 महीने तक उसको यूज करिए, ठीक है, कोई घी वगैरह को एकदम से तो खा नहीं जाएगा। आगे देख लीजिए ये और भी चीजें हैं जिसमें ऐसे, इसमें क्या था, ये फिलहाल के लिए यहां पर रुपये भी लिखे हुए हैं, ये आप देख लीजिए, रेट वगैरह के बारे में भी लिखा हुआ है, ये सब यहां पर जो 56 रुपए के हिसाब से ऐसे जो है यहां पर दर्शाया गया है। फिलहाल और भी चीजें हैं,
तो उनके बारे में भी आप लोग देख लेना, तमाम चीजें यहां पर दी गई हैं। एनजीओ वाले बेचारे क्या करें, एनजीओ वालों को ही ऊपर से भुगतान नहीं होते हैं, पता नहीं कहां चला जाता है, चावल है, मसूर दाल है, छोला भी इनके लिए जो है कर दिया गया है। क्वांटिटी वगैरह उनके हिसाब से होगी जो उनके वहां पर वगैरह चल रही होगी, फिलहाल के लिए जब मिला ही नहीं है तो क्वांटिटी का क्या वो लोग बेचारी अचार डालेंगी बहने। तो ये सब चीजें देख लीजिए। और ये लेटर वगैरह एक और इसी संबंध में आया था 8/6/2018 को भी निकला था, ऐसे तमाम लेटर निकले हैं, एसएमपी वगैरह जो योजना टाइप की चल रही है ना उसी से रिलेटेड। और कुल मिलाकर के एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये समूह के लोग क्यों जोड़ दिए, के बीच में एनजीओ क्यों आ गया, तो इसके लिए आपको ये बता दें कि यहां पर सभी स्टेटों में आंगनबाड़ी बहनें ही जो है कच्चा राशन का केवल वितरण करती हैं, ठीक है, लाने ले जाने, उठाओ रख रखाओ, ये पैकेजिंग वैकेजिंग ये सब जो है बाहर के लोग ही करवाए जाते हैं। मतलब ये लेना लाना ये बहनों का काम नहीं रह गया है, उनका बांटने का काम रह गया है अपनी आंखों के सामने बंटवाने का, ठीक है। तो ऐसे चीजों को देखिए, हर जगह जो है कोई ना कोई अपना कच्चा राशन लेकर के आता है और फिर बहनों के जरिए उसको बंटवाया जाता है। आगे देखिए, ये आया है एक नया प्रारूप, सुनीता बहन है उन्होंने मुझे ये भेजा हुआ था, चलिए इसे भी हम लोग जो है जान लेते हैं। परियोजना का नाम लिखा हुआ है और आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम लिखा हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्र के वास्तविक लाभार्थियों का नाम है और आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी जिन्हें ड्राई टेक होम राशन प्राप्त हुआ है उनका कॉलम है, आंगनबाड़ी केंद्र के अवशेष लाभार्थी की संख्या जिन्हें ड्राई टेक होम राशन वगैरह दिया जाना है, ये इस तरह से प्रारूप आए हैं। जैसे इसमें पहले जो है आंगनबाड़ी केंद्र के वास्तविक लाभार्थी के लिए जो बना है, इसमें 6 से 3 वर्ष के बच्चों की संख्या, 3 से 6 वालों की संख्या, गर्भवती दात्री महिलाओं की संख्या, 11 से 14 स्कूल ना जाने वाली किशोरी की संख्या, 6 मास से 6 वर्ष के अति कुपोषित जो बच्चे हैं उनकी संख्या, ठीक है, 6 मास से 6 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों की संख्या इसमें है। अब आगे बताते हैं आपको आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थी जिन्हें जो है ड्राई टेक होम राशन प्राप्त हो गया है, उसमें भी 6 से 3 वर्ष के बच्चों की संख्या, 3 से 6 वर्ष वही वाले जितने लाभार्थी यानी उनकी सबकी संख्या भर लेनी है। तो आपके जो भी लाभार्थी हैं केंद्र पर वास्तविक उनकी संख्या भरनी है, जिनको आपने पहुंचाया है उनकी भरनी है, फिर आंगनबाड़ी केंद्रों के अवशेष जो रह गए आंगनबाड़ी लाभार्थियों की संख्या जिन्हें ड्राई टेक होम राशन दिया जाना है, जो बच गए बच्चे उनके लिए भी आपको ऐसे एक प्रारूप बना लेना है, अपने ही सभी लाभार्थियों के लिए ही आपके लिए लिखा है, उन्हीं लाभार्थियों को, यानी जिनको जितने केंद्र पर है वो टोटल लिखिए, मान लीजिए उनमें से कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला, तो जिनको मिला है फिर उनका भी उसी तरीके से भरना है, फिर उसके बाद में जितने लोग रह गए हैं उनके बारे में भी उनकी संख्या भरनी है, ऐसे जो है जाएगा ताकि जो रह गए हैं उनके लिए भी ऊपर से आए और उनकी भी जो एडिंग फीडिंग पोर्टल पर हो जाए, ये सब चीजें हैं, या तो अगली बार से ज्यादा आना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए, प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त सूचना जिसकी सूची इस सूचना के साथ संलग्न है सत्य एवं सही है, यदि लाभार्थी के स्थलीय सत्यापन में कोई विसंगति पाई जाती है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा, ऐसे करके क्षेत्रीय मुख्य सेविका के हस्ताक्षर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर, ऐसे करके ये रिपोर्ट बनवाई जा रही है। तो अपना डेटा वेटा सब सही भर लेना, कितने हैं लाभार्थी, कितनों को आपने दिया है, सबको दिया, सबको मिल गया, अच्छी बात है, कोई अवशेष में नहीं है तो भी अच्छी बात है, यदि लाभार्थी ज्यादा हैं और मिला कम को है यानी कम आया था, अवशेष में रह जाते हैं कि इतने इतने वर्ग के लोग हैं इनमें इतने इतनों को नहीं मिला, इनका कम का आया था, तो उनके लिए आप भर करके ऊपर भेज सकते हो, यह आप पर डिपेंड करता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर के हस्ताक्षर इस पर कराए जाएंगे, ऐसा भी एक प्रारूप जो है निकल करके आया है। अब यह उन पर डिपेंड करता है अधिकारियों पर कि वो अवशेष वालों में रखेंगे या नहीं, या ऐसे ही जो है जैसे चल रहा है वैसे ही वो चलाएंगे, या कुछ भी है, जो भी है वो लोग अपना अपना स्तर से अपने अपने वहां पर नियम कायदे चलाएंगे। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, ये एक मैसेज आया था, यहां पर मैनपुरी उत्तर प्रदेश से एक आंगनबाड़ी बहन है अनीता देवी, इनकी समस्या वही है कि इनके केंद्र पर जो भी समूह वाली है वो राशन वासन नहीं ला रही है, और उनका यही कहना कि हम केंद्र से जो है अपने सामने बटवाएंगे और केंद्रों पर लोगों को लाभार्थियों को बुलाओ। तो भैया बुला लो, क्या दिक्कत है आपको, केंद्रों पर बुलवा लो और सर्किल टाइप के बनवा लीजिए, दूर दूर बड़े बड़े, और सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, बाकी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर अगर आपकी सुपरवाइजर कहती है कि डोर टू डोर बांटिए तो आप मत बुलवाइए, ठीक है, अपने सुपरवाइजर से पूछिए क्या करना है क्या नहीं करना है, वो ऐसा कह रही है तो ऐसा अपना जो भी करो, फिलहाल बच्चों को मिलना है, क्या जरूरत है चाहे डोर टू डोर बटे चाहे केंद्र से बटे, सोशल डिस्टेंसिंग दोनों जगह की जरूरत है, दूर दूर लोग हो और ये सब चीजों का पालन आपको करना होगा। तो ये सब देख लीजिए और अपने आंखों के सामने बंटवा लीजिए, क्या दिक्कत है, इसमें कोई बात नहीं है, और वो कहती है कि हम अपने आंखों के सामने बांटेंगे तो बंटवाइए, आप ये सुनिश्चित करना कि आपका कोई लाभार्थी छूटे ना, यदि कम लोगों को दे तो आप उसका ऑब्जेक्शन करना, ठीक है।